आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। विपक्षी 19 राज्यसभा सांसदों पर कार्यवाही हंगामा करने पर एक सप्ताह के लिए किया निलंबित। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी। शिवसेना नेता संजय राउत बोले, सोनिया गांधी को किया जा रहा प्रताड़ित, पीएम मोदी पर कसा तंज। मंकी पॉक्स खतरे को भांपते हुए योगी सरकार अलर्ट, कोविड अस्पतालों में किए बेड आरक्षण। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रिद्धिमान साह को मिला बंग विभूषण सम्मान, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जताया आभार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को आज फिर ईडी के दफ्तर दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया गया, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता आज देश की सड़कों पर है। राजधानी लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस मुख्यालय से हजरतगंज जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा पर एक पदयात्रा कर विरोध करने की तैयारी में थे। उससे ठीक पहले कांग्रेस की विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना और नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत कई दिग्गज नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इसी क्रम में प्राइम टीवी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी से खास बातचीत की है, आइए सुनते हैं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को आज नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वहीं यूपी कांग्रेस के पदाधिकारी आज पदयात्रा करने वाले थे, जिसमें तमाम बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। और इसी क्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हैं। आज आप लोग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, आप लोग जो पूछताछ हो रही है उसका विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, जो पूछताछ हो रही है वो सोची समझी साजिश के तहत की जा रही है। अभी माननीय राहुल गांधी जी को पिछले महीने में कई बार बुलाया गया, 12-12, 14-14 घंटे बैठ करके पूछताछ की गई, और अब हमारी कार्यकारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी को 21 तारीख को बुलाया गया था, और आज 26 तारीख को ईडी ने दिल्ली में अपने कार्यालय में बुलाया है, जिसके विरोध में आज हम लोगों को धरना प्रदर्शन करना था। शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन करना, पैदल मार्च करना, सत्याग्रह करना, शांतिपूर्ण ढंग से करने का अधिकार हमको संविधान देता है, और अगर इसको रोका जाता है तो इसका मतलब ये कि आप संविधान विरुद्ध काम कर रहे हैं, बल्कि संविधान की हत्या कर रहे हैं। ये भाजपा की सरकार संविधान की हत्यारी सरकार है। नेशनल हेराल्ड का जो मामला है, सब जानते हैं कि शिकायत की थी भाजपा के एक वरिष्ठ नेता श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, लेकिन बाद में उन्होंने, जहाँ तक मुझे याद है कि 2015 दिसंबर में उन्होंने उस शिकायत को, जो शिकायत की थी जिससे ये बात आगे बढ़ी थी, हाई कोर्ट में जा करके उस शिकायत को वापस ले लिया था, विड्रा कर लिया था। जब हाई कोर्ट ने उस शिकायत को विड्रा स्वीकार कर लिया और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने हाई कोर्ट से विड्रा कर लिया, तो अब ईडी की जांच का मतलब क्या है? केवल और केवल विरोधी पार्टियों में सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों का विरोध कर रही है, चाहे वो किसानों की हो, चाहे वो युवाओं की बेरोजगारी की हो, चाहे वो महिलाओं की हो, चाहे वो कर्मचारियों की हो, व्यापारियों की हो, मजदूरों की हो, जो भी समस्या आती है, हर समस्या को कांग्रेस बढ़ करके उठाती है। उसको दबाने के लिए द्वेषपूर्ण भावना से, बदले की भावना से ये कार्रवाई सरकारी एजेंसियों द्वारा कराई जा रही, भाजपा के द्वारा, कहीं इनकम टैक्स तो कहीं ईडी तो कहीं सीबीआई और स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसियाँ हैं उनसे भी, उनको भी गलत काम में लगा रखा है। तो कांग्रेस पार्टी दबने वाली नहीं, कांग्रेस ही डरने वाली नहीं है।
आपने हाउस अरेस्ट किया है, आप एक बार नहीं 10 बार करो। सत्याग्रह करने से आप बाहर नहीं निकलने दोगे, हम बाहर अपने आंगन में बैठ के सत्याग्रह करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, आप हमें रोक नहीं सकते। हम दूसरी पार्टियों के नेताओं की तरह नहीं हैं, हमारे नेता दूसरी पार्टियों के नेताओं की तरह नहीं है कि जांच के डर से या किसी फंसने के डर से जन विरोधी नीतियों को हम ना उठाएं। हम हमेशा जनता के साथ रहे हैं, जनता के साथ हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। आपसे जो बन पड़े आप कर लो। सर, संवैधानिक मूल्यों की अगर बात करें तो प्रदर्शन करना सबका अधिकार है, और जब भी कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है या आज पदयात्रा निकाल ली है तो वहाँ पे रोक दिया जा रहा है, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? मैंने कहा ना कि संविधान विरोधी काम है। पिछली बार भी कई बार हमको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। मेरी पत्नी भी विधायक थी, मेरी पत्नी गंभीर रूप से बीमार है, उनको अक्सर अस्पताल जाना पड़ता है, वो विधायक थी, अंदर हैं वो। उस दिन मैं इनसे कहता रहा कि मेरी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इजाज़त नहीं दी। क्या है ये, इसको क्या कहेंगे आप? संविधान विरोधी कहेंगे कि संविधान के प्रो कहेंगे, क्या कहेंगे आप? पूरी तरीके से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, पूरी तरीके से दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है, डर की सत्ता कायम की जा रही है। सर, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से दलील दी जा रही है कि सोनिया गांधी से पूछताछ घर पे हो सकती है, ऐसा पिछले दिनों में होता हुआ है, उनके स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें चल रही हैं, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? देखिए, डॉक्टर ने साफ साफ मना किया है कि उनसे इस तरीके से बहुत देर तक बैठा करके या उनसे लगातार उनके दिमाग में जोर डाल पड़े, ऐसी कोई बात न की जाए। और उसके बाद भी ईडी परेशान कर रही है, वो गंभीर रूप से बीमार है, कई वर्षों से बीमार है, विदेशों में भी इलाज चल रहा है, इंडिया में इलाज चल रहा है, कई अभी एडमिट थी कई दिनों तक अस्पताल में। ये क्या हो रहा है? ये पूछताछ नहीं हो रहा है, ये खुला हैरेसमेंट है, किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शुक्रिया हमसे बात करने। तो हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीरुद्दीन सिद्दीकी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो संवैधानिक मूल्यों का हनन कर रही है और उसे लोकतंत्र में कमजोर होगा। कैमरामैन शुभम के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। रुक करते अगली खबर की तरफ। लखनऊ में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ ने सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक एसटीएफ ने आरोपियों को दारुल शफा चौराहे के पास थाना हजरतगंज से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में उत्तर प्रदेश सचिवालय का फर्जी सचिव और उसके 2 साथी शामिल है। राजधानी लखनऊ में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती दी है और ठाकुरगंज क्षेत्र में जीआरएम लॉन के मालिक के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी है। साथ ही असलहों से लैस बदमाश वारदात के बाद हवा में फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वहीं पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर के मुताबिक आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम लगा दी गई है और उम्मीद है कि जल्द ही वो पकड़ लिए जाएंगे। पुलिस पुरानी रंजिश सहित कई दिशाओं में पड़ताल कर रही है। थाना ठाकुरगंज के अंतर्गत भूवर क्रॉसिंग के पास महेंद्र मौर्य नाम के व्यक्ति को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना का पर्दाफाश के लिए टीमें लगा दी गई है और जल्द से जल्द खुलासा की जाएगी। खबर गोंडा से है, जहां आलोक कंस्ट्रक्शन कंपनी में कार्यरत श्रमिक को कंपनी के मालिक ने घर नहीं जाने दिया और जबरन बिना किसी सेफ्टी किट के काम पर लगा दिया। जहां प्लांट में लगे मशीन के बेल्ट में मजदूर का हाथ फंस गया और हाथ कटकर पूरी तरह अलग हो गया, जिसके बाद अस्पताल में उसका उपचार कराया गया और घटना के बाद कंपनी के मालिक ने मजदूर को 5 से 6 लाख रुपए देने का वादा किया, लेकिन अब देने से इनकार कर दिया है, जिस पर पीड़ित पक्ष ने कंपनी पर मुकदमा कर इंसाफ की मांग की है। जो ये मालिक है, आलोक के मालिक है ना, ये बोले कि हाँ दवा कराएंगे, उसके बाद में 3-4 लाख रुपए दे देंगे कि हाँ इनका दुकान उकान कुछ भी हो जाएगा। सामने बोले
कि हाँ 3-4 लाख रुपए देंगे, जब ये सही हो जाएंगे या तो नौकरी दे देंगे। आप लोग के सामने ये वादा हुआ था? हाँ, ये वादा हुआ था, या तो नौकरी कोई देंगे या तो 3-4 लाख रुपए देकर इनका दुकान कोई करवा देंगे। जनपद गोंडा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक हरिलाल नाम का युवक थाना तरफगंज का उपस्थित हुआ और उसका बायां हाथ पूरी तरह से नहीं था और वो इलाज के बाद उपस्थित आया था। उसके द्वारा अवगत कराया गया कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोगों ने जबरन घर से ले जा करके उसको ऐसी मशीन पे रख दिया जिसका काम नहीं जानता था वो, और जिसकी वजह से उसका हाथ कट गया और उसको परेशानी हुई। तो उसकी तहरीर पर थाना तरफगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया है, विवेचना की जा रही है। और इस खबर पे हमारे साथ फरुखाबाद से संवाददाता राशिद जुड़ चुके हैं। राशिद, पूरी जानकारी चाहेंगे, कब की ये घटना बताई जा रही है और किस तरह से गुहार लगाता नजर आ रहा है पीड़ित? ये पूरी घटना जो हुई है वो बलरामपुर में हुई है, जबकि जो पीड़ित है वो गोंडा की तरफ बंद थाना के अंतर्गत आजाद नगर का रहने वाला है। और जिस तरीके से लगातार जनपद गोंडा में देखा जा रहा है कि जो ठेकेदार हैं वो बिना सेफ्टी के लेबरों से काम कराते हैं, जिसका खामियाजा जिस तरीके से आज हीराराल को चुकाना पड़ता है। आपको बताते चले, ये आलोक कंस्ट्रक्शन है, इनके यहाँ ये काम करता था और काम कर रहा था, लेकिन जिस दिन ये घटना हुई उस दिन वो काम करना चाहता नहीं था, जिस तरीके से पीड़ित का आरोप है, और उसे जबरन वहां पर काम कराने के लिए दिया गया और उस मशीन पर काम कराने के लिए दिया गया जिसके उसके बारे में उसे ज्ञान नहीं था। लेकिन जिस तरीके से घटना हुई और उसके बाद जो आलोक कंस्ट्रक्शन के जो मालिक है उन्होंने झूठा एक आश्वासन दिया कि उसकी इलाज की जाएगी और उसे आर्थिक मदद की जाएगी, लेकिन जब वो पीड़ित सही हुआ, जब आर्थिक मदद की बात सामने आई तो साफ मना कर दिया गया। तब इस पूरे मामले पे पीड़ित ने एडिशनल एसपी जो शिवराज सिंह है उनके पास पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। तो फिलहाल मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से बिना मानक के ठेकेदार जो ठेकेदार है वो बिना मानक के मजदूरों से काम कराए जा रहे हैं, इस पर रोक लगना चाहिए। जी बिल्कुल राशिद, क्या इसी तरह से और भी लोगों ने, और भी कर्मचारियों ने मालिक पर आरोप लगाए हैं क्या? नहीं, फिलहाल आपको बता दें ये आलोक कंस्ट्रक्शन जो है इन पर ये पहला आरोप लगा है और पहली ऐसी घटना घटी है जिसका उसका हाथ कट गया है। लेकिन जिस तरीके से विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं और जिस तरीके से गरीब परिवार है और वो अकेला कमाने खाने वाला था और उसकी जो माँ है वो भी बेचारी गूंगी है, कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस प्रशासन क्या कुछ करती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता राशिद जुड़े थे। खबर फरुखाबाद से है, जहां पांचाल घाट पुल से उफनाती गंगा नदी में खतरनाक स्टंट कर छलांग लगा रहे 4 बच्चों का वीडियो सामने आया है। नाबालिगों का पांचाल घाट पुल से गंगा नदी में स्टंटबाजी का क्रम घंटों जारी रहा। बता दें चेतावनी बिंदु के करीब है ये गंगा नदी, लेकिन फिर भी बच्चों द्वारा स्टंट किया जा रहा है। पांचाल घाट पुल से चंद कदमों की दूरी पर है पांचाल घाट पुलिस चौकी। कावड़ यात्रा का रूट और केंद्र होने के बावजूद भी पुलिस गश्त करने नहीं पहुंची है। पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है और यह भी माना जा रहा है कि इस तस्वीरों को देखने के बाद कि कोई अप्रिय घटना भी घट सकती है। खबर कानपुर से है, जहां सेंट्रल रेलवे स्टेशन में उस दो गुट आपस में भिड़ गए, जहां हड़कंप मच गया इस घटना के बाद। देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच पथराव शुरू हो गया। जीआरपी थाने के पास भगदड़ मच गई, इसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको महिलाएं बच्चे जीआरपी थाने लेकर पहुंचे और थाने के बाहर घेराव कर हंगामा करने लगे। हंगामा बढ़ता देख जीआरपी पुलिस ने घायल को मेडिकल के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों गुट चलती ट्रेन में मसाले बेचते हैं, जिसको लेकर विवाद हुआ है। वहीं जीआरपी पुलिस ने पथराव करने वालों की तलाश भी शुरू कर दी है। सोनभद्र में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देश में पुलिस फोर्स ने पैदल मार्च किया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर राजकुमार त्रिपाठी के साथ साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहे। इसके साथ ही सड़क किनारे अस्थायी अतिक्रमण के संबंध में प्रभारी निरीक्षक चोपन को भी आश्वासक दिशा निर्देश दिए गए हैं और वाहनों की चेकिंग भी की गई है। वहीं यातायात नियमों का पालन करने के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया है।
देवरिया जनपद के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के डूडा ऑफिस में भोलेनाथ की मंदिर का गेट लगभग कई महीनों से बंद है, जिसकी वजह से आसपास की महिलाओं को पूजा पाठ के लिए दूर दराज जाना पड़ रहा है। दरवाजे को खुलवाने के लिए महिलाओं ने जिला प्रशासन से नाराज होकर सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी के पास पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है। पुस्तैनी मंदिर को जो है खुलवा दे, सावन का महीना है, थोड़ा पूजा पाठ हम लोग करते, पूरे मोहल्ले के लोग जो है परेशान है, और कहीं हम लोग का नई उम्मीद है, बस इनसे उम्मीद है। ये डूडा ऑफिस के बगल में है। कैसा मंदिर था, कितने साल पुराना? अरे 100 साल पुराना है मंदिर है, बहुत पुराना। गेट बंद हो गया? हाँ, मुख्य गेट उधर बंद कर दिए लोग। हम लोग सोच रहे हैं कि खुल जाता तो हम लोग पूजा पाठ अपना करते लोग। देश भर में आज के दिन कारगिल विजय दिवस मनाया गया। आज से 23 साल पहले 26 जुलाई के दिन ही भारत के वीर सैनिकों ने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देकर पाकिस्तानी घुसपैठियों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसी कड़ी में आज कानपुर के कैंट स्थित ब्रिगेड युद्ध स्मारक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सपूतों को याद किया गया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही शहीद वीर सपूतों के किस्सों के बारे में लोगों को बताया गया। 7 इन्फेंट्री में डिवीजन में री प्लेइंग सेरेमनी किया गया है, जिसमें इंडियन आर्मी के बहादुर जवानों ने कारगिल दिवस में फतेह करके वर्ल्ड में अपना परचम लहराया है, भारतीय सेना का नाम गौरवशील बनाया है। उसको सेलिब्रेट करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं 7 इन्फेंट्री ब्रिगेड में, और सारे वेटरन्स जिन्होंने लड़ाई में पार्टिसिपेट भी किया है वो तो यहाँ मौजूद है। हम उनकी तारीफ करते हैं, उनकी बहादुरी की तारीफ करते हैं, इंडियन आर्मी के लीडरशिप की तारीफ करते हैं, जिनकी वजह से हमें हर वॉर में फतेह मिल रही है। आज 26 जुलाई को देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन साल 1999 में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ ऑपरेशन विजय के हिस्से के रूप में टाइगर हिल और अन्य चौकियों पर कब्जा किया था। बता दें वाराणसी में 39 जीटीसी बटालियन कैंपस में कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सैनिकों को सम्मानित किया गया। खबर फतेहपुर से है, जहां अपहरण और दुष्कर्म के मामले में बसपा के नगर पंचायत चेयरमैन के पुत्र को पुलिस गिरफ्तार कर मेडिकल परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई। जैसे ही इस बात की सूचना स्थानीय लोगों को लगी, वैसे ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर लोगों की भीड़ लग गई और चेयरमैन पुत्र के बाहर निकलते ही मौजूद लोग उससे लिपट कर रोने लगे, जिसके बाद पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त को न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेज दिया। गाजियाबाद के NH9 से होते हुए सभी कांवड़िया हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने मंदिर की ओर चल पड़े, क्योंकि उनको जल्द से जल्द भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करना है। उसी को लेकर शहर की सड़कों पर कांवड़ियों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं पर यूपी पुलिस की एक अनोखी पहल देखने को मिली, पुलिसकर्मी कांवड़ियों की देखरेख करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं NH9 पर और आप देख सकते हैं NH9 के ऊपर किस तरह से कांवड़िया लगातार यहां से चलकर अपने घर के तरफ जा रहे हैं, जो कि अभी थोड़ी देर में जल चढ़ाना है, जलाभिषेक होना है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये देखिए किस तरह से डाक कांवड़ लगातार काफ़ी लंबे सफ़र को तय करते हुए अपने घर के लिए और अपने भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाने के लिए लगातार यहाँ से सभी कांवड़ियाँ निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से दौड़ लगाते हुए, आप इस तरफ भी देख सकते हैं तस्वीरों में कि कांवड़ियाँ लगातार घर के लिए और भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल अभिषेक करने के लिए लगातार यहाँ से सभी लोग निकल रहे हैं। और तस्वीरें आपको एक चीज़ और दिखाने को देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन लगातार कांवड़ियों की सेवा में जल पान आदि उनको देने की दिए जा रहे हैं। साथ में देखिए कई कांवड़ ऐसे हैं, ये कांवड़ियां हैं, सभी लोग दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। और ये पुलिस का एक ऐसा चेहरा भी आपको सामने देखने को मिलेगा जो कांवड़ भक्तों की लगातार जब से कांवड़ चालू हुई है तब से लगातार उनकी सेवा में लगी हुई है। और आप देख सकते हैं किस तरह से भोले भक्त जो हैं, तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा किस तरह से सभी लोग लगातार लंबा सफ़र तय कर अब अपने घर के लिए भोलेनाथ के मंदिर के लिए लार प्रस्थान कर और उनको आज जल अर्पित करेंगे, जलाभिषेक होना है।
और ये देखिए तस्वीरों में देख किस तरह से सभी भोले भक्त पानी दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार ड्यूटी तो कर ही रही है, साथ ही साथ भोले भक्तों को लगातार उनको सेवा में भी लगी हुई है, किसी तरह से सेवा कर उनको उनके साथ पुण्य कमाया जाए। साथ ही आप देख सकते हैं सभी अधिकारी, जहां तक कि जिले के कप्तान सीओ रैंक के अधिकारी भी लगातार कांवड़ियों की सेवा में जुटे हुए थे। तो कहीं ना कहीं आज इस हाईवे पे NH9 पे सभी पुलिसकर्मी लगातार भोले भक्तों की सेवा भी कर रहे हैं, साथ ही साथ कानून व्यवस्था पर भी नज़र बनाए हुए, साथ ही साथ यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था भी सही तौर पर चल सके उसको लेकर भी काफ़ी यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। और हम इस वक्त NH9 पर मौजूद हैं। यहाँ से जो डाक कांवड़े हैं, जो दूर लंबा सफ़र तय करने वाली कांवड़े हैं, वो यहाँ से निकल रही हैं और आप तस्वीरों में देख चुके हैं किस तरह से भोले भक्त अभी यहाँ से निकलना लगातार उनका जा खबर गाजियाबाद से है, जहां शिवरात्रि के पावन अवसर पर भक्तों की सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिल रही है। तो वहीं कांवड़ लेकर हरिद्वार से पैदल चलकर पहुंचे कांवड़िए भी मंदिर के बाहर अपनी बारी के इंतजार में खड़े हुए हैं। तभी अचानक दुधेश्वर नाथ मंदिर के ऊपर हेलीकॉप्टर द्वारा यहां खड़े भक्तों के सम्मान में पुष्प वर्षा की गई, जिसके बाद भक्तों में जोश दोगुना बढ़ गया और लोग भगवान भोले के साथ साथ योगी मोदी के नारे लगाते हुए दिखे। फरीदाबाद में खेड़ी पुल इलाके से एक कांवड़िया अपने दोस्त के साथ कांवड़ लेने हरिद्वार गया था, जिसकी वापस लौटते समय रास्ते में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कुछ देर पहले तड़पते कांवड़िए का वीडियो सामने आया था। वहीं परिजनों का आरोप है कि उन्हें बिना सूचना के उनके बेटे को पोस्टमार्टम करवाने ले जाया गया। फिलहाल पुलिस ने परिजनों से जांच में सहयोग करने का आश्वासन दिया है। कोई नहीं पूछे, अपने आप करा लिए। जब मैंने फोन पर फोन करती रही, 3 बजे से फोन करती रही, तब मुझे 7 बजे मुझे फोन करके बताया कि आपके हस्बैंड खत्म हो गए। अब आप क्या चाहती हैं? मैं कहा चाहती हूँ, आज ये सुबह हमारे थाने में आए थे कुछ व्यक्ति और इन्होंने बताया कि हमारा बच्चा 22 तारीख को अन्य साथियों के साथ कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार गया था और उसकी मौत हो गई। जब मौत होने के पश्चात वो अपने जो उनके साथी गए थे उन पर कुछ शक व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि इसका फकवा वहीं का है और पोस्टमार्टम की भी फिर प्रक्रिया वहीं पर हुई है। तो इन सब मामलों की हम इनको बता रहे हैं और जैसे ही इनको हमारी पुलिस की तरफ से इमदाद की जरूरत होती है वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार का शक शुबा ना रहे। प्रयागराज में श्रावण मास में तेरस के शुभ अवसर पर स्वयंसेवी संगठनों और युवाओं ने कांवड़ियों को भंडारा किया, जिसके बाद कई शिवालयों में कांवड़ियों ने जलाभिषेक भी किया। समाज सेवियों ने कांवड़ियों के लिए जलपान की व्यवस्था भी की थी। इसके साथ ही शहर में DJ की धुन पर थिरकते कांवड़िए शिवालय तक पहुंचे। ये मामा भांजा का तालाब है और यहाँ हर वर्ष जब भी सावन का महीना होता है तब भी यहाँ पर क्षेत्रीय नागरिकों के सहयोग से हमेशा भंडारा किया जाता है। और इस वर्ष हमारा ये सौभाग्य है कि हम भारत विकास परिषद एक संस्था है जिसके माध्यम से हम भी यहाँ जुड़े हुए हैं आज, और भारत विकास परिषद संस्कृति शाखा भी अपना सहयोग दे रही है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हम सभी कांवड़ियों को भंडारा खिलाने में सक्षम हुए हैं। ये जो कमरी वालों का जो आयोजित किया गया है, जैसे वहाँ पर दारागंज से चलते हैं जल भरा के, तो थके मंगे लोग रहते हैं यहाँ पे, उनको जलपान की व्यवस्था और भांजा तालाब पर यहाँ पे दिया जाता है जल, और इसे झरना व्यवस्था खाने पीने की व्यवस्था करा गया है। ये हमारी दवा वगैरह सारी चीज़ें, ये हमारी एकदम दिली दिली इच्छा से ये हमको सेवा करने का मौका मिला है। मैं उनका आशीर्वाद चाहता हूँ। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को सकुशल और सुगमता से पूरा कराने में पुलिस और प्रशासन की अहम भूमिका नजर आ रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन के साथ भारतीय सेवा समिति के 20 वॉलेंटियर्स 3 अलग अलग टीमों के रूप में शहर के अलग अलग कांवड़ मार्गों पर सुविधा और सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। इसमें महिला वॉलेंटियर की टीम भी शामिल है।
प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।